हेलो फ्रेंड्स, कोचअप एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा, आपका साइंस टीचर। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में समझने से पहले अपने सराउंड में, अपने चारों तरफ जो रिएक्शंस हो रही हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल लिया, एन आयरन लेफ्ट एक्सपोज इन ह्यूमिड एटमोसफियर। आयरन को जब अपन बाहर एटमोसफियर में छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो जो प्योर आयरन होता है वो ब्राउन कलर का होता है। प्योर आयरन जो ब्राउन कलर का होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe। परंतु तो जैसे ये ह्यूमिडिटी से रिएक्शन करेगा तो ये रस्टिंग के थ्रू Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है रस्ट का फॉर्मूला। तो जैसे ही रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्राउन कलर से रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की कई रिएक्शंस हो रही है अपने एटमॉस्फेयर में, अपने चारों तरफ, जो अपने डेली लाइफ में, अपन डेली रूटीन में उनको देखते रहते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लिया मैंने, ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। जब ग्रेप्स को थोड़े दिनों के लिए रख दिया जाता है तो उनमें फर्मेंटेशन की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। उससे क्या होता है कि उसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो एल्कोहल और प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो CO2 जब उसमें बनने लगता है तो थोड़े दिनों के बाद वो स्मेल देने लगता है। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन है फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अपने शरीर में जो भोजन ले रहे हैं वो किस प्रकार आगे डाइजेस्ट हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में डाइजेस्ट हो रहा है, तो अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स होते हैं वो भी एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्शन करके वो उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो फूड कंटेंट जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। जैसे अपन स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H11O5, ये N होता है। जब इसको ब्रेक करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, अपन O2 लेते हैं और CO2 वापस छोड़ते हैं। तो अब अपने शरीर में ऐसी क्या रही, कौन सी प्रोसेस हो रहा है जिसमें O2 कंज्यूम हो रही है और CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो उसमें क्या होता है, जो जो फूड कंटेंट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट गए उनको अपने सेल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और वहाँ पे जब ऑक्सीजन जब पहुँचती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड कंटेंट एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में वो टूट जाता है। तो एनर्जी उससे वहाँ पे प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इस प्रकार की कई रिएक्शंस अपने एटमोसफियर में होती रहती है, जो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो एक कुछ एग्जांपल्स लिए, तो साइंस में कोई भी केमिकल, कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के बारे में क्लास 9th में डिटेल में स्टडी की है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा अपन फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रोसेस का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि H2O सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में होता है आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर और गैस फॉर्म में होता है वेपर। इन तीनों कंडीशन में, तीनों स्टेज में इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, परंतु इनका जो केमिकल कंपोजिशन है तीनों स्टेज में सेम होता है। तो फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रोसेस में यही होता है कि फिजिकल स्टेट विल बी चेंज इन एवरी स्टेज बट केमिकल कंपोजिशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन एवरी स्टेज। केमिकल कंपोजिशन, इसमें भी H2 है, इसमें भी H2 और इसमें भी H2 हो, तो तीनों में केमिकल कंपोजिशन सेम होता है फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद है अपना केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस को अपन चार प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहला अपन लेते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रोसेस में जैसे अपन कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 को जब अपन हीट देते हैं तो टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, परंतु जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो गैस फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ पे सॉलिड सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, वो तो सही फिजिकल स्टेट मेंटेन कर रहा है, परंतु जब कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड अलग होता है, CO2 बन रही है, वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब नेक्स्ट टाइप है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर से भी अपन किसी रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अपन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू कलर का होता है। जब जैसे ही इसमें आयरन रोड डिप करते हैं तो धीरे धीरे इसका ब्लू कलर गायब हो जाता है और वो कलरलेस उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाता है आयरन के द्वारा। कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर वहाँ से प्रतिस्थापित हो जाता है, तो ये ब्लू कलर से कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और ये कॉपर आयरन रोड पे डिपॉजिट होने लगता है।
अब तीसरा स्टेज है अपना चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी जब केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उसमें दो प्रकार के टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है और टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज की बात करें अपन तो किसी भी एसिड की रिएक्शन, जैसे अपन HCl लें, ये एसिड है, और अपन NaOH लें, ये बेस है। किसी भी जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो एक सोल्ट बनाएंगे, NaCl एक कॉमन सोल्ट है और H2O प्लस हीट, यहाँ हीट प्रोडक्शन होगा जो रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका दूसरा एग्जांपल अपन ये लेंगे कि यूरिया में, यूरिया को जब H2O में डिजोल्व करते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके दौरान टेम्परेचर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट स्टेप है इसका इवोल्यूशन गैप। किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर गैस इवोल्व हो रही है तो इसका मतलब वहाँ उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। केमिकल चेंजेस कैसे हो सकते हैं, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स लें अपन, जिंक के छोटे छोटे दाने लें और उसको कंसनट्रेट H2SO4 में डाल दें अपन। कंसनट्रेट H2SO4 में जैसे ही डालेंगे तो जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड जो अपना है वो जिंक से क्रिया करेगा और जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे H2 गैस इवोल्व होगी। तो इन चारों में से कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई चेंज हो रहा हो, किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा हो तो वो किस में आएगा, केमिकल प्रोसेस में। अब केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल प्रोसेस में इनिशियली जो आइडेंटिटी है किसी भी एलिमेंट की, देखो इसमें सब में सबकी इनिशियली आइडेंटिटी है, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, HCl और जिंक, इनकी सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो रिएक्शन के बाद इनकी आइडेंटिटी फिनिश हो जाती है, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर रहे हैं। तो जैसे वो आइडेंटिटी लॉस कर रहे हैं इसका मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो उसके साथ कुछ दूसरे केमिकल्स भी बन रहे हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस में चार प्रकार के प्रोसेस हो सकते हैं। इसके बाद अपने इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को जो परफॉर्म हो रही है, जो रिएक्शंस हो रही है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको किस प्रकार अपन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे मैंने कहा था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है, जब वर्ड्स के रूप में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अपन वर्ड इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन हो सकती है, जैसे मैग्नीशियम की हो सकती है, जिंक सल्फ, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डिप डालते हैं ग्रेन्यूल्स को तो जिंक सल्फेट और H2 गैस मिलते हैं। तो इनको वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे अपन वर्ड इक्वेशन। और जब एलिमेंटल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मैंने मैग्नीशियम को Mg लिखा, ऑक्सीजन को O2 लिखा और मैग्नीज ऑक्साइड को मैंने लिखा MgO, जब एलिमेंटल फॉर्म में लिखेंगे, एलिमेंटल फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे अपन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में अब अगर केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट के साथ एरो का निशान डाउन आता है तो उसका मतलब है उस रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है, वो नीचे बैठ रहा है। और अगर केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ एरो है ऊपर की तरफ, एरो है तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन के दौरान गैस बन रही है, वो रिएक्शन का गैस बन रही है, वो पात्र में ऊपर की तरफ जाती है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम जब एक एरो से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई भी रिएक्शन होती है एक एरो से, जो जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वहाँ से, वहाँ लिखा जाता है आप रिएक्टेंट, तो इस साइड में जो उसको कहेंगे रिएक्टेंट। और जो एरो खत्म होने के बाद जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है और कहाँ फिनिश कहाँ होती है, प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई उसको रिएक्टेंट और जो खत्म हो रही है उसको प्रोडक्ट। इस वीडियो में इतना ही, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है यहाँ तक इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, क्योंकि उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, पूरा अपन डिटेल में करेंगे कितने प्रकार से उसको बैलेंस किया जाता है। और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, उसका सॉल्यूशन अपन बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।